हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज फिर से हम 50 लोगों का सांभर राइस और पापड़ बनाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम दाल इसमें बॉईल करेंगे, तो आपको जितना दाल चाहिए उसी हिसाब से आपको बॉईल कर लेना है। तो मैं 3 गिलास का बना रहा हूँ, तो हम 3 गिलास इसमें डालेंगे और इसको हम हल्दी डाल के अच्छे से हम बॉईल करेंगे। तो देख सकते हो दाल मैंने डाल लिया, इधर राइस भी हमारा बन चुका है, तो राइस हम इसमें खाली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दाल में हल्दी डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो देख सकते हो राइस हमारा बन चुका है, रेडी हो चुका है और हमने दाल भी चढ़ा रखा है। और उसके बाद में सांभर के लिए हमें रेडी करना है थोड़ा सा करी पत्ता, ग्रीन चिली, मस्टर्ड और आपको ऐसे बड़े साइज में आपको प्याज कट कर लेना है। ये सब आपको कटिंग कर लेना है और रख लेना है साइड में। उसके बाद हम वेजिटेबल लेंगे। वेजिटेबल में हमने लिया है भिंडी, आलू और डोंडी और कैरेट। आप जो भी यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, आपके घर में जितना भी सब्जी होगा आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा सा टमाटर कटिंग कर लेंगे ऐसे मोटे साइज में, जिससे सांभर में आपको गलाना नहीं है, ये ऐसे ही दिखेंगे। और थोड़ा सा हम इमली भिगा लेंगे। तो देख सकते हो ये सब मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद हम अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। और तो देख सकते हो मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और इधर हमारा दाल भी बॉयल हो चुका है, अभी और होने वाला है। तो देख सकते हो मैंने पात्रा गरम अच्छी तरह से कर लिया है और ये धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, मतलब पानी जो बचा हुआ है वो हमने सुखा लिया है। उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद जो हमने तड़के के लिए रेडी किया था प्याज, मिर्ची, करी पत्ता और मस्टर्ड, ये सब डाल के हम 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करना है। उसके बाद में देख सकते हो इधर दाल भी हमारा पूरा बॉयल हो चुका है, तो दाल को हम बंद कर लेंगे। और ये प्याज भूजने के बाद हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे जो हमने सब्जी कटिंग किया हुआ था। तो आप जो भी सब्जी यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे बैंगन हो गया, ये सब आप यूज कर सकते हो। तो आप आपके पास जो भी सब्जी है आप सब छोटे साइज में कटिंग करके आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये सब सब्जी डालने के बाद में आपको थोड़ा देर भूजना है इसको। भूजने के बाद में इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, हल्दी डालेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको नमक डालना है। तो यहाँ पे तो 50 लोगों का खाना बनता है, इसलिए हम 50 उसी हिसाब से डाल रहे हैं नमक। तो आपको थोड़ा ही डालना है, ठीक है। तो देख सकते हो नमक हल्दी डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे ये ज़्यादा जले ना है। आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद इसको हम 5 मिनट तक मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अच्छे से बॉईल कर लेंगे 5 मिनट तक। तो देख सकते हो हम अच्छे से मिला लेते हैं इसको, जिससे ये ज़्यादा जले ना। तो मिलाने के बाद इसमें क्या करेंगे, जो हमने इमली भिगाया था ना, वो हम इमली को निचोड़ लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हो इमली जो हमने भिगाया था इसको हम निचोड़ के फेंक देते हैं और पानी रहने देते हैं। उसके बाद में पानी हम डालेंगे, इमली का पानी, इसको भी हम 2 मिनट तक बॉयल करेंगे, जिससे इमली का पानी पूरा बॉयल हो जाए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, खट्टापन आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में 2 मिनट हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाला में ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, आपको चिल्ली पाउडर लेना है, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और उसके बाद में आप सांभर पाउडर डालेंगे इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं भी दुकान में जाओगे उन्हें तो मिल जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हो। पर ये सांभर पाउडर गांव में नहीं मिलता है, सिटी में ही मिलेगा। तो आप एक बार ट्राई करना दुकान में जाकर, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब मसाला डालने का मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह से हमारा तेल छोड़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से सब्जी को बॉयल करेंगे, जिससे सब्जी हमारा कच्चा ना हो। तो ये सब्जी तो अभी बहुत कच्चा है, तो इसमें आपको पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, आपको अपने हिसाब से डालना है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से हम बॉयल करेंगे, जिससे सब्जी हमारा पूरा बॉयल हो जाए। तो देख सकते हो 10 मिनट हो चुका है और पूरा सब्जी बॉयल हो चुका है। उसके बाद हमने दाल जो बॉयल किया था इसको हम अच्छी तरह से मिला के इसमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में इसको धनिया पत्ता डाल के हम अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। तो सांभर हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हो उधर सांभर बॉयल हो चुका है, इधर पापड़ भी बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।